सो संदीप भाई जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी बेहतरीन गाड़ी के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अच्छा पीपीएफ का काम आपका हो गया। थैंक यू। अब आपका एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा ओवरऑल पीपीएफ परचेस करने से लेकर इंस्टॉलेशन तक। परचेजिंग वॉज वेरी गुड। आपने जैसे वन वीक बोला था कमिटमेंट, वन वीक से पहले ही मिल गया था मेरे को पीपीएफ। होम डिलीवरी मिली थी, वो भी मेरे को गाड़ी आने से पहले मिल गई थी डिलीवरी। एंड जो इंस्टॉलेशन का काम था वो बंदा भी विजय जो बंदा है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने भी टाइम मेरे को बोला था 2.5 days लगेंगे, 2 days में कंप्लीट करके दे दिया था। एंड हिज वर्क वॉज वेरी नीट एंड टाइम पे दे दिया। मेन वही है कि टाइम पे जो बोले उसे पहले ही मिल रहा है, लेट नहीं हो रहा कोई। या, और कार की शाइन शाइन तो मतलब नई गाड़ी में उतनी शाइन नहीं थी जितनी अभी आ रही है। अभी रहेगी भी क्योंकि लंबे समय तक आपके पास गाड़ी रहेगी ना। आप देखोगे जब भी ब्रांड न्यू गाड़ी डिलीवर होगी आपकी ज्यादा शाइन करेगी। और इसमें एक और चीज क्या है, अब थोड़ा मैंने क्लीनिंग खुद करके देखा है, नहीं तो ब्लैक कार में कभी भी आप कितनी भी गंदी हो साफ हो, आप थोड़ा सा कपड़ा मारोगे उसमें दाग आ जाते हैं पूरे, विजिबल हो जाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, आप मैक्सिमम आपको 15 मिनट लगते हैं पूरी गाड़ी साफ होने के लिए। क्लीनिंग इज वेरी इजी। और स्क्रैच का कुछ लगा आपको? स्क्रैच का अभी तो कुछ भी नहीं है, ना सुरील मार्क्स आ रहे हैं ना कुछ है, बहुत अभी भाई। चलो ठीक है, यू आर हैप्पी विद इट? वेरी हैप्पी। ओके, थैंक यू संदीप जी। थैंक यू।